नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। केजरीवाल ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग फील करें कि वो पीएम है। केजरीवाल का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में अलायंस से अलग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। दिल्ली में आप जनरेटर नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रिक बसों में प्रदूषण से कमी आई, निर्माणाधीन जगहों पर तय मानकों से ही होगा काम। दिल्ली के भोगल में 25 करोड़ की चोरी, पुलिस ने छत्तीसगढ़ से कुख्यात बदमाश लोकेश को अरेस्ट किया। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने बदमाश की निशानदेही पे 12.50 लाख कैश और 18.50 किलो सोना बरामद किया। 4 दिन पहले उमराव ज्वेलर्स में दीवार काटकर चोरों ने बड़ी सेंधमारी की थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर वार, गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार बने हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र एजेंसियां थी जो आज भाजपा की सेवा में लग गई हैं। हमारी सरकार आने पर एजेंसियों को स्वतंत्र करेंगे। कि इनके पास सिर्फ 37 दलों का अलायंस नहीं है, इनके साथ 3 दल और हैं। दल नहीं कहूंगी, राजनीतिक भले ही ना हो, वो एक इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग गई है। वो कौन सी है? ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। तो यही हो गया है। तो इनके इलेक्शन टूल किट में ये 3 हैं। तो जो भी विपक्षी दल नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगाइए, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाइए, जो सिद्ध नहीं हो सकते, साबित नहीं हो सकते हैं, वो आरोप लगाइए, फिर उनके लिए पूरी लीगल प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। ये कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी मामले में एक्शन, खालिस्तानी पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में FIR दर्ज। कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी, आज कर्नाटक में बंद का ऐलान, कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों ने विरोध में बुलाया बंद। कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। मांड्या में धारा 144 लागू, स्कूल और कॉलेज बंद। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मांड्या के पास कावेरी के जल में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। बंद के आयोजक टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक निकालेंगे जुलूस, सभी वर्ग के लोगों के भाग लेने की संभावना। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद का आह्वान किया। टोल, रेल सेवाएं और हवाई अड्डे बंद कराने की कोशिश, विपक्षी दल बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने बंद का समर्थन किया। ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने बताया, बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। बसें चालू हैं लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान, 17 स्थानों पर रेल ट्रैक पर बैठे किसान। आंदोलन की वजह से 23 ट्रेनें रोकी गई। 3 दिनों के धरने के चलते लगभग 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 लोकल ट्रेन रद्द। MSP, ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते हजारों की संख्या से यात्री परेशान हुए। किसानों के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या को लेकर आक्रोशित भीड़ ने सीएम एन बीरेन के पैतृक आवास पर हमला करने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ा। गायब छात्रों की मौत के बाद मणिपुर में एक बार फिर तनाव, भीड़ का हिंसक प्रदर्शन जारी। चुनावी राज्यों को लेकर नड्डा ने बुलाई महामंत्रियों की बैठक, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर होगा मंथन। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आज होने वाली इस बैठक में तेलंगाना, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर प्रभारी प्रेजेंटेशन देंगे। चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। पीएम समेत वरिष्ठ नेताओं की सभा को तय करने को लेकर भी मंथन होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में टीम पहुंचेगी राजस्थान, विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठकें। राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल 3 दिवसीय यात्रा पर आज जयपुर पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्त गण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। अलवर में नारायणी धाम पर चल रहे महासंगम कार्यक्रम में शामिल हुई वसुंधरा राजे, संतों का लिया आशीर्वाद, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो विकास की गंगा बहेगी।
मुझे तो विश्वास है कि सरकार हम लोगों की आएगी आएगी, और जब आएगी तो ये सब सड़कें हैं, और सड़कें ही क्या, इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम, और उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर जरूर। पदयात्रा महासंगम कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। नारायणी माता मंदिर में वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की, मंदिर कमेटी ने दुपट्टा उड़ाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा से मिलने पहुंचे सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमरिंदर सिंह रंधावा और राजा वारिंग कल ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए थे। सुखपाल खैरा फजिलका CIA स्टाफ के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने आप सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार की खैरा के साथ जो सरकार ने जो खैरा के साथ किया वो सोची समझी साजिश थी। मनप्रीत बादल के लिए विजिलेंस की टीमों की नई राज्यों में छापेमारी, पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान में विजिलेंस की टीमें पहुंची। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, तकरीबन 64 दिनों से मनप्रीत बादल गायब है। एमपी के हरदा, खरगोन और नीमच के दौरे पर हैं सीएम शिवराज, कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। खरगोन में सीएम शिवराज देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन करेंगे। सीएम हरदा में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, कई योजनाओं की सौगात देंगे। अलीराजपुर में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नीमच में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन करेंगे सीएम। साथ ही नीमच में भादवा माता लोक के लिए भूमि पूजन करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, जस्टिन ट्रूडो ने भारत की तारीफ की, कहा भारत का दुनिया में प्रभाव, कनाडा भी रखना चाहता है घनिष्ठ संबंध। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है, अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि निज्जर मामले पर भारत से बात करेगा। दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास बंद हुआ, विदेश मंत्रालय को एक और चिट्ठी के जरिए जानकारी दी गई, चिट्ठी की सत्यता की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दूतावास चलाने में पैसों की कमी हो गई थी। खबर यह भी है कि अफगान एम्बेसी के डिप्लोमेट अलग अलग जगहों पर राजनीतिक शरण ले रहे हैं। अहमदाबाद में आज RSS की संगठनात्मक बैठक, संघ प्रमुख करेंगे शिरकत, आज से 1 अक्टूबर तक होगी संगठनात्मक बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत गुजरात में संघ की गतिविधियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली में प्याज संकट पर अहम बैठक, महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, प्याज व्यापारियों की मांग पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में प्याज व्यापारियों के बंद और प्याज उत्पादकों के हित को लेकर मंगलवार शाम अहम चर्चा हुई थी। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि केंद्र सरकार ने फिड और NCCF के माध्यम से बाजार समिति परिसर में सीधे किसानों से प्याज खरीदे। महाराष्ट्र में मराठा के बाद फिर उठी आरक्षण की आवाज, धननगर समाज को लेकर होगी आरक्षण पर बैठक, आज वर्षा बंगले पर मंथन। इस बैठक में सीएम शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ धनगर नेता और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह वर्षा बंगले पर धननगर नेताओं की सीएम शिंदे के साथ बैठक हुई थी जो नाकाम रही थी। धननगर समाज आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनशन पर है। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फैक्ट्री के बराबर बनी गत्ता फैक्ट्री भी जलकर खाक, आग तड़के 3:30 बजे लगी। केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया, जबकि गत्ता फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए 17 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। हापुड़ में वकीलों का आज महासम्मेलन, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, महासम्मेलन में शामिल होने के लिए कई राज्यों से वकीलों के पहुंचने की संभावना, हापुड़ जिले में धारा 144 लगी। महासम्मेलन को देखते हुए शहर के सभी मुख्य चौराहे पर बैरिकेटिंग कर भारी पुलिस तैनात किया गया है। 29 अगस्त को वकीलों पर पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज के विरोध में महासम्मेलन। अहमदाबाद में गांधीधाम पुलिस को बड़ी कामयाबी, कच्छ में आया 80 किलो ट्रक्स को पुलिस ने पकड़ा, जब्त ट्रक्स की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई गई। यूपी के कासगंज में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, ग्रामीणों ने शव को थाने के सामने सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, 3 थानों के फोर्स मौके पर तैनात, हंगामा कर रहे परिजनों को शांत किया गया। दिल्ली के समयपुर बादली लूट का CCTV सामने आया, 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, 480 ग्राम सोना लेकर फरार हुए लुटे थे। लुटेरों ने हथियारों के दम पर लूट को अंजाम दिया और आभूषण लूटकर बाइक पर बैठकर फरार हुए।
आज अयोध्या दौरे पर अनुपम खेर शाम 4:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अनुपम खेर 2 दिन तक रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला देवस्थान पर संतों से भी करेंगे मुलाकात। मुंबई के जुहू बीच पर आयोजित क्लीन थॉन 2.0 में फिल्मी कलाकारों ने की शिरकत। राजकुमार राव ने कहा, बहुत मजा रहा, उम्मीद है कि अगला चरण जल्दी आएगा। क्लीन थॉन आयोजन को लेकर अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने कहा, यह एक प्यारी पहल, शहर की साफ सफाई करना हमारी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर रौनक दिखी। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर भारी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज। अवैध धातुओं के तस्करी मामले में कार से 300 किलो चांदी जब्त, हो गिरफ्तार। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में ONGC गोवा एनर्जी वीक को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। चीन में खेली जा रही एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला गोल्ड। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में पलक ने जीता गोल्ड। ईशा सिंह ने सिल्वर पर निशाना लगाया। 50 मीटर राइफल इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड पर निशाना लगाया। स्वप्निल, ऐश्वर्या तोमर और अखिल की तिगड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। टेनिस में सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। रामकुमार रामनाथन और साकेत मैनिनी की जोड़ी ने सिल्वर मेडल दिलाया। फाइनल में चाइनीज ताइपे के हाथों हार। थाईलैंड की खिलाड़ी के हाथों पीवी सिंधु को मिली हार। सिंधु ने पहला गेम 21-14 से जीता। इसके बाद सिंधु को 15-21, 14-21 से अगले दोनों गेम में हार मिली। गोल्फ में मेडल की आगे बढ़ रही हैं अदिति अशोक। राउंड 2 के बाद अदिति नंबर 2 पर बनी हुई हैं। अदिति अशोक के पास 107 पॉइंट्स। एशियन गेम्स का 6ठे दिन स्क्वैश मिक्स टीम इवेंट के सेमीफाइनल में भारत को हार मिली है। हार के बावजूद भारत ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। हैदराबाद में टॉय ट्रेन में हुई गणपति बप्पा की विदाई। भगवान गणेश की छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन का वीडियो सामने आया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने आसपास के तालाब और नदी में विसर्जित किया गया। हुसैन सागर झील में गणेश विसर्जन को देखने के लिए टैंक बांध भारी भीड़ हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 100 साल पुरानी परंपरा के तहत आकर्षक झांकियों का कारवां निकाला गया। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगे। नासिक में गणेश विसर्जन के दौरान 4 लोग डूबे। 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग डूबे, 2 के शव बरामद। गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के दौरान हुआ हादसा। गोदावरी नदी के घाट पर 2 युवक गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए पानी में उतरे। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने से डूब गए। विश्व कप के खिताबी मुकाबलों से पहले आज से शुरू होंगे अभ्यास मैच। 6 टीमें खेलेंगी आज 3 वार्म अप मुकाबले। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान के बीच ये अभ्यास मैच खेले जाएंगे। विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। वहीं टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 30 सितंबर को अपना अभ्यास मैच खेलेंगे।